So I gave it a pause deliberately because at times pictures speak for themselves. So it's absolutely stunning, gorgeous. I mean, I'm falling short of words. I'm in Tangmarg right now. Destination is Gulmarg, but I stopped here deliberately because ये जो आप नजारे देख रहे हैं ना, मतलब they are like surreal. Absolutely amazing, amazing. I mean, ऐसा लगता है जैसे हाथ से किसी ने स्प्रिंकल की हो बर्फ इन पहाड़ों पे और इस जंगल पे जो आप देख रहे हैं. मैं थोड़ा सा क्लोजअप करने की कोशिश करूँगा. ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल है. Absolutely stunning. ये सबसे बेस्ट नज़ारा इस वक्त. हालांकि स्नोफॉल हुआ है ताज़ा ताज़ा. इस वक्त मैं टंगमर्ग में हूँ. 3 से 4 इंच जो है स्नोफॉल है यहाँ पे. लेकिन यहाँ से जो नज़ारे हैं वही काफ़ी हैं. यहाँ का जो अट्रैक्शन है, यहाँ आने की जो ज़रूरत है उन्हीं के लिए. तो ये रास्ता यहाँ से द्रंग जाता है और जो ये स्नो मोबाइल्स हैं ये अपना काम कर रहे हैं. अच्छा इस वक्त काम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि नया साल जो है आने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा रश है. और जो स्नोफॉल हुआ है इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता था यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो भी चाहते थे कि टूरिस्ट आएँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं. हम यहाँ की तरफ आए तो यहाँ पे क्योंकि बर्फ़ थी तो चढ़ाई है, स्लिपरी था और मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हमें दिखी, कैब्स और टूरिस्ट हज़ारों की जो है तैदाद में यहाँ पे थे. सो एवरी वन वॉन्टेड टू गो अप टू गुलमर्ग, बट आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ट्राइंग टू क्लियर दैट स्लिपरी रोड, क्योंकि कल भी वहाँ कुछ हादसे हुए हैं. लोग जो हैं अपने जो है इंथुजियाज़म में विदाउट प्रॉपर गेयर और वहीकल मशीन चेन्स और 4x4 जो है ऊपर चले गए और जिस वजह से जो है कई लोग फंस गए, कई जो है एक्सीडेंट भी हुए हैं. तो आज इस वक्त बेटर है क्योंकि नीचे ही रोक के रखा है पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ गाड़ियों को, और जिस जिस गाड़ी के पास 4x4 है या चेन्स हैं उसको छोड़ा जाता है. नहीं तो यहाँ पे जो मेस होता था, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आके रुक जाती है. आप देख रहे हैं स्लोप है. हम भी जब ऊपर की तरफ आए तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने जोश में छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके यहाँ आ गए और फिर जो है चढ़ाई पे फंस गए. तो आप चाहते हैं कि आप इन्जॉय करें और आप चाहते हैं कि आप जो हैं अच्छे तरीके से आप पहुँचे, तो इंश्योर दैट यू डोंट कम इन दीज काइंड ऑफ कार्स. ये देखिए, ये देखिए, ये लाइव एग्जांपल आपको मिल जाएगी इधर कि कैसे जो है गाड़ी स्लिप करती है, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो टायर जो है घूमते रहते हैं. गाड़ी का भी नुकसान होता है, आपका टाइम ज़ाया होता है और फिर जो ट्रिप एक इन्जॉयमेंट के लिए आप स्टार्ट करते हैं वो एक ट्रेजेडी बन जाता है. तो ये नज़ारे हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल. आई मीन ये वाला साइड तो मुझे भूल ही नहीं रहा है. ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, स्टनिंग. और ये रश आपको समझ आएगा कितने सारे टूरिस्ट हैं. तो लोकल के लिए, आई मीन इफ यू वॉन्ट्स टू कम इन द मॉर्निंग गो बैक इन द इवनिंग, आई थिंक इट्स बेटर टू कम ड्यूरिंग वीक डेज और आफ्टर न्यू ईयर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और ऊपर भी जो है स्लिपरी है, फंसी हुई हैं गाड़ियाँ, नीचे भी जो है लंबी लाइन है गाड़ियों की जो ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं क्योंकि इससे स्लोप चढ़ाई है और उस वजह से जो है गाड़ी जैसे ये देखिए इसने चेन लगाई है इसीलिए गाड़ी आराम से ऊपर जा रही है. तो अगर आपके पास छोटी गाड़ी भी है तो चेन का इंतज़ाम कीजिए, चेन लगाइए और तभी आइए, वरना जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है. तो बहुत ब्यूटीफुल है इस वक्त और बेटर है कि जो ऊपर के नज़ारे हैं, जो ये पहाड़ों पे पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर जो बर्फ है, ये सबसे स्टनिंग पार्ट है इस वक्त जो है आपका गुलमर्ग या जहाँ भी बर्फ हुई है, ख़ासकर ये वाला साइड जो है इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. सो दो चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत है, आपको गुलमर्ग भी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे इतनी खूबसूरती आपको मिल जाएगी, और आप अगर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो आप द्रंग चले जा सकते हैं. तो बहुत ब्यूटीफुल, और इन्हीं नज़ारों पे स्टार्ट किया था, एंड पे यहीं पे पॉज दूंगा और 2-4 सेकंड इस पे रख के गुड बाय.